विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फीकस सिर्फ 5,000। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोजे बुध यानी वेडनेसडे बतारीख 1 मार्च का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानी। गुज़िश्ता 10 दिनों में तेलंगाना में नौजवानों के मौके पर गिरने और मरने के खौफनाक वाकयात देखने में आए हैं। सेहतमंद नौजवान मर्दों में अवामी मुकामात पर ये गैर मुतवक्के वाकयात खतरे की घंटी का बाज बन गए हैं। दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत के एक और वाकये में हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते हुए एक 38 साल शख्स हलाक हो गए। इस वाकये की एक वीडियो जल्द ही मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें इन्हें बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ दिखाया गया, जबकि लोग बारी बारी ये चेक करने के लिए जाते रहे कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं। 38 साल श्याम यादव बुध के रोज सिकंदराबाद के प्रोफेसर जय शंकर इंडोर स्टेडियम लालापेट में बैडमिंटन खेल रहे थे। मुतवफी के लवाहिकीन ने इंकशाफ किया कि वो शहर की एक फर्म में प्राइवेट मुलाजिम थे और अपने काम के औकात के बाद रोजाना की बेसिस पर क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी थे। ट्रैफिक ड्यूटी पर मामूर पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट में एक 14 साल नौजवान ने सामना किया। पुलिस को फराइज की अंजामदही में रुकावट डालने पर लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हयातनगर पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। इनमें से एक RTC ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर थे, जो खवातीन दुकानदारों से 3 चेन स्नैचिंग केस में मुलविस थे। इनके पास से रोल गोल्ड सोने की चेन, 3 छोटे चाकू और 2 बाइक जब्त किए गए। रैपिडो ऐप के जरिए बाइक की बुकिंग किराए पर लेने वाले चेन स्नैचर्स जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी शॉप्स या सब्जी मंडियों की दुकानों पर मौजूद अकेली और बेकार खवातीन को निशाना बनाते हुए इन्हें चाकू दिखाकर डरा धमका कर चेन स्नैचिंग का इंतखाब करते हैं। इन्होंने कहा कि वो हेलमेट, ग्लव्स और मास्क पहनते हैं। 14.2 kg LPG सिलेंडर की कीमत में आज से 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ आज से घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपये फी सिलेंडर होगी। नजरसानी के बाद LPG की कीमत अब दिल्ली में 1,103 रुपये, चेन्नई में 1,118 रुपये, हैदराबाद में 1,155 रुपये है। मुकामी टैक्सों और फ्यूल रिटेलर्स की वजह से घरेलू खाना पकाने की गैस की कीमतें रियासत से मुख्तलिफ होती है। हर महीने के शुरू में कीमतों पर नजरसानी करें। हर घराना साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों का हकदार है। इसके अलावा मार्केट की कीमत पर सिलेंडर्स खरीदे जा सकते हैं। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी BJP के सरबरा बंडी संजय कुमार ने बुध के रोज कहा कि जो भी खवातीन की इस्मत दरी या कत्ल करता है, अगर BJP आइंदा इंतखाबात जीती है तो उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा। बुध को पार्टी हेडक्वार्टर में महिला मोर्चा की रियासती इंतजामी कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा, अगर BJP रियासत में बरसरे इख्तदार आती है तो वो उन लोगों के घरों को गिराएंगे बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए जो खवातीन के कत्ल और इस्मत दरी का सहारा लेते हैं।